शांति। आज 20 अगस्त 2022 दिन शनिवार की साकार मुरली। आइए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधुर महावाक्यों को। मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना। इस पढ़ाई से ही तुम्हें विश्व की बादशाही मिलेगी। प्रश्न, कौन सा निश्चय पक्का हो तो पढ़ाई कभी भी मिस ना करें? उत्तर, अगर निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान टीचर रूप में पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई से ही हमें विश्व की बादशाही का वर्षा मिलेगा और ऊंच स्टेटस भी मिलेगा। बाप हमें साथ भी ले जाएंगे, तो पढ़ाई कभी मिस ना करें। निश्चय न होने कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता, मिस कर देते हैं। गीत, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे पोस्ट के सत्संग और अभी के सत्संग के अनुभवी हैं। पास्ट यानी इस सत्संग में आने के पहले बुद्धि में क्या रहता था और अब बुद्धि में क्या रहता है, यह रात दिन का फर्क देखने में आता होगा। उस सत्संगों में तो सिर्फ सुनते ही रहते हैं, कोई आस दिल में नहीं रहती। बस सत्संग में जाकर दो वचन शास्त्रों का सुनना होता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, बुद्धि में है कि हम आत्माएं बाप दादा के सामने बैठी हैं और उनसे हम स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए ज्ञान और योग सीख रहे हैं। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं कि हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे, कोई ना कोई इम्तिहान पास कर यह पद पाएंगे, यह ख्याल आत्मा को आते हैं। अभी हम पढ़कर फलाना बनेंगे, सत्संग में कोई एम नहीं रहती है कि क्या प्राप्ति होगी। करके कोई को आस होगी भी तो वह अल्पकाल के लिए। साधु संतों से मांगेंगे कि कृपा करो, आशीर्वाद करो, यह भक्ति व सत्संग आदि करते यहाँ तक आकर पहुँचे हैं। अभी हम बाप के सामने बैठे हैं, एक ही आस है आत्मा को बाप से वर्षा लेने की। उन सत्संगों में वर्षा लेने की बात नहीं रहती, स्कूल अथवा कॉलेज में भी वर्षा पाने की कोई बात नहीं रहती। वह तो टीचर है, पढ़ाने वाला, वर्षे की आस इस समय तुम बच्चे लगा कर बैठे हो। बरोबर बाप परम धाम से आया हुआ है हमको फिर से सदा सुख का स्वराज्य देने, यह बच्चों की बुद्धि में जरूर रहेगा ना। फिर भी समझते हैं बाप के सम्मुख जाने से ज्ञान के अच्छे बाण लगेंगे, क्योंकि वह सर्वशक्तिवान है। बच्चे भी ज्ञान बाण मारना सीखते हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यहाँ ही डायरेक्ट सुनते हैं, समझते हैं बाबा समझा रहे हैं और कोई सत्संग व कॉलेज में ऐसे नहीं समझेंगे। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। हम इस सृष्टि चक्र को जान गए हैं, उन सत्संगों में तो जन्म जन्मांतर जाते ही रहते हैं। यहाँ है एक बार की बात, भक्ति मार्ग में जो कुछ करते वह अब पूरा होता है, उनमें कोई सार नहीं है तो भी अल्पकाल के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में रहता है हमको बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा ही बुद्धि में याद आएगा और अपनी गवाई हुई राजधानी याद आ जाएगी। अभी हम जितना पुरुषार्थ करेंगे बाबा को याद करेंगे और ज्ञान की धारणा में रहेंगे, औरों को भी ज्ञान की धारणा कराएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। यह तो हर एक की बुद्धि में है ना। बाप इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, इनको दादा ही कहेंगे। शिव बाबा इनमें प्रवेश होकर हमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो पहले यह बातें हमारी बुद्धि में नहीं थी, हम भी बहुत सत्संग आदि करते थे, परंतु यह ख्याल भी नहीं था कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर कब पढ़ाते हैं। अभी बाप को और समय को जान गए हैं, नई दुनिया स्वर्ग का स्वराज्य फिर से याद आता है, अंदर में खुशी रहती है। बेहद का बाप जिसको भगवान कहते हैं वह हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा पतित पावन तो है ही, फिर टीचर के रूप में बैठ हमको पढ़ाते हैं। इस दुनिया में कोई भी इस ख्यालात में नहीं बैठे होंगे सिवाय तुम बच्चों के।
तुम बेहद बाप की याद में बैठे हो, अंदर में समझ है, हम आत्माएं 84 जन्मों का पाठ पूरा कर वापस जाती हैं। फिर स्वर्ग में जाने के लिए बाप हमको राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं यह राजयोग की शिक्षा दे स्वर्ग का महाराजा महारानी बनाने वाला बाप के सिवाय और कोई हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। बाबा एक ही बार आकर पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने लिए। बुद्धि में रहता है हम बच्चे बाप द्वारा बेहद सृष्टि का स्वराज्य लेने लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं, एम ऑब्जेक्ट की ताकत से ही पढ़ते हैं। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में है, हम कहाँ बैठे हैं। मनुष्यों के ख्यालात तो कहाँ ना कहाँ चलते ही रहते हैं, पढ़ाई के समय पढ़ने के, खेलने के समय खेलने के। तुम जानते हो हम बेहद बाप के सम्मुख बैठे हैं, आगे नहीं जानते थे। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं कि भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं। अभी तुम बच्चों ने समझा है, जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं। यह ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे ना सके, जब तक बाप ना आए विश्व के मालिक पने का वर्षा मिले कैसे, ना किसी की बुद्धि में यह आता है। हम भगवान के बच्चे हैं, वह स्वर्ग का रचियता है, फिर हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं, नरक में दुखी क्यों हैं। हे भगवान, हे पतित पावन कहते हैं, परंतु यह बुद्धि में नहीं आता कि हम दुखी क्यों हैं। बाप बच्चों को दुख देते हैं क्या? बाप सृष्टि रचते हैं बच्चों के लिए, क्या दुख के लिए? यह तो हो नहीं सकता। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर चलने वाले हो, बल कहाँ भी दफ्तर व धंधे आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में तो यह है ना कि हमको पढ़ाने वाला भगवान बाप है। हमको रोज सवेरे क्लास में जाना होता है, क्लास में जाने वालों को ही याद पड़ता होगा, बाकी जो क्लास में ही नहीं आते तो वह पढ़ाई को और पढ़ाने वाले को समझ कैसे सकते हैं। यह नई बातें हैं जिसको तुम ही जानते हो। बेहद का बाप जो नई दुनिया रचने वाला है, वह बैठ नई दुनिया के लिए हमारा जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। जब से माया का प्रवेश हुआ है हम कौड़ी जैसा बनते आए हैं, कलाएं कम होती गई हैं, माया ऐसे खाती आई है जो हमको कुछ भी पता नहीं पड़ा। अभी बाप ने आकर बच्चों को जगाया है अज्ञान नींद से। वह नींद नहीं, अज्ञान नींद में सोए पड़े थे। ज्ञान तो ज्ञान सागर ही देते हैं और कोई दे नहीं सकते। एक ही हमारा बिलविड मोस्ट बाप ज्ञान का सागर पतित पावन दे सकते हैं। अब बच्चे जान गए हैं इस युक्ति से बाप हमको पावन बना रहे हैं, पुकारते भी हैं हे पतित पावन बाबा आओ, परंतु समझते नहीं है कि कैसे आकर पावन बनाएंगे। सिर्फ पतित पावन कहते रहने से तो पावन नहीं बन जाएंगे। तुम जानते हो कि इस समय सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। जो भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं वह कर्तव्य भी ऐसा करेंगे। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुम यहाँ सम्मुख बैठकर सुनते हो तो तुम्हारी बुद्धि का योग बाप के साथ रहता है। फिर कुसंग तरफ जाते हो, बहुतों से मिलते करते हैं, वातावरण सुनते हैं, तो जो सन्मुख की अवस्था रहती है वह अवस्था बदल जाती है। यहाँ तो सन्मुख बैठे हैं, स्वयं ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा बैठ ज्ञान का बाण मारते हैं। इसलिए मधुबन की महिमा है, गाते भी है ना, मधुबन में मुरली बाजे। मुरली तो बहुत स्थानों पर बजती है, परंतु यहाँ सम्मुख बैठ कर समझाते हैं और बच्चों को सावधानी भी देते हैं। बच्चे खबरदार रहना, कोई उल्टा सुल्टा संग नहीं करना। लोग तुमको उल्टी बातें सुनाकर डराए, इस पढ़ाई से ही छुड़ा देंगे। संग तारे कुसंग बोरे, यहाँ है सत बाप का संग। तुम प्रतिज्ञा भी करते हो कि हम एक से ही सुनेंगे, एक का ही फरमान मानेंगे। तुम सबका बाप टीचर सतगुरु वो एक ही है। वहां तो वह गुरु लोग सिर्फ शास्त्र ही सुनाते रहते, नई बात कोई नहीं। ना बाप का परिचय ही दे सकते, ना ज्ञान की बातें ही जानते। सब नेति नेति कहते आए, हम रचता और रचना को नहीं जानते। जब बाप आते हैं तभी समझाते हैं। उन कलयुगी गुरुओं में भी नंबरवार हैं,
कोई के तो लाखों फॉलोअर्स हैं। तुम समझते हो हमारा सतगुरु तो एक ही है, मरने आदि की तो बात ही नहीं। यह शरीर तो शिव बाबा का है नहीं, वह तो अशरीर ही अमर है। हमारी आत्मा को भी अमर कथा सुनाए अमर बना रहे हैं, अमरपुरी में ले जाते हैं फिर सुख धाम में भेज देते हैं। निर्वाण धाम है ही अमरपुरी। अभी तुम्हारी बुद्धि में रहता है हम आत्माएं शरीर छोड़कर जाएंगी बाप के पास, फिर जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उस अनुसार पद पाएंगे। क्लास ट्रांसफर होता है, हमारी पढ़ाई का पद इस मृत्युलोक में नहीं मिलता है। यह मृत्युलोक फिर अमरलोक बन जाएगा। अब तुमको स्मृति आई है कि हमने सत्युग त्रेता में 21 जन्म राज्य किया, फिर द्वापर कलयुग में आए, अब यह है हमारा अंतिम जन्म। फिर हम वापिस जाएंगे वाया मुक्ति धाम होकर फिर सुख धाम में आएंगे। बाप बच्चों को कितना रिफ्रेश करते हैं, आत्मा समझती है कि हम 84 के चक्र में आते हैं। परमात्मा कहते हैं मैं इस 84 के चक्र में नहीं आता हूँ, मुझ में इस सृष्टि चक्र का ज्ञान है। यह तुम जानते हो कि पतित पावन बेहद का बाप है, तो वह बेहद को ही पावन करने वाला होगा ना। कोई मनुष्य बेहद का बाप हो ना सके, वह बेहद का बाप एक ही है। तुम जानते हो हम आत्माएं वहां की रहने वाली हैं, वहां से फिर शरीर में आते हैं। पहले पहले कौन आया पाठ बजाने, यह तुम समझते हो। हम आत्माएं निराकारी दुनिया से आई हैं पाठ बजाने। इस समय तुम बच्चों को नॉलेज मिली है कैसे नंबरवार हर एक धर्म वाले अपने पाठ अनुसार आते हैं। इसको अविनाशी ड्रामा कहा जाता है, ये किसी की बुद्धि में नहीं है। हम बेहद ड्रामा के एक्टर हैं, ना बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को ना अपने जन्मों को ही जानते हैं। बाबा तुमको कितना रिफ्रेश करते हैं पुरुषार्थ अनुसार, कोई तो बड़ी खुशी में रहते हैं। बाबा हमको सत्य ज्ञान सुना रहे हैं और कोई मनुष्य मात्र यह ज्ञान दे नहीं सकते, इसलिए इसको अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। अभी तुम जानते हो हम अज्ञान अंधेरे में कैसे आए, फिर ज्ञान सोझरे में कैसे जाना है, यह भी नंबरवार समझ सकते हैं। घोर अंधियारा और घोर सोझरा किसको कहा जाता है, यह अक्षर बेहद से लगता है। आधा कल्प रात आधा कल्प दिन व समझो सांझ और सवेरा, यह बेहद की बात है। बाबा आकर सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। ये जो दान पुण्य करते हैं शास्त्र पढ़ते हैं उससे तो अल्पकाल का सुख मिलता है, बाप कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता हूँ, जो मैं विश्व का मालिक उन्हों को बनाऊं। यह भी समझते हो कि सब विश्व के मालिक बन नहीं सकते, मालिक वह बनते हैं जिन्हों को बाप पढ़ाते हैं, वही राजयोग सीख रहे हैं। सारी दुनिया तो राजयोग नहीं सीखती है, कोटों में कोई ही पढ़ते हैं। कई तो 5-6 वर्ष 10 वर्ष राजयोग सीखते फिर भी पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं माया बहुत प्रबल है, बिल्कुल ही बेसमझ बना देती है, फरकती दे देते हैं। कहावत है ना, आश्चर्यवत बाप का बनंती कथंती फिर फरकती देवंती। बाप कहते हैं उनका भी दोष नहीं है, यह माया तूफान में ले आती है। ऐसी सजनियां जिनको श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बनाते हैं वह भी छोड़ देती हैं। फिर भी बाप कहते हैं जिनसे सगाई की उनको याद करना है। याद कोई फट से ठहरेगी नहीं, आधा कल्प नाम रूप में फंसते आए हो। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बड़ा मुश्किल है। सत्युग में तुम आत्मा अभिमानी बनते हो परंतु परमात्मा को नहीं जानते हो। परमात्मा को सिर्फ एक ही बार जानना होता है, यहाँ तुम देह अभिमानी आधा कल्प बन जाते हो। यह भी नहीं समझते हो आत्माओं को यह शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले पाट बजाना है, फिर रोने की दरकार नहीं। जब बाप द्वारा सुख धाम का वर्षा मिल रहा है तो क्यों ना पूरा अटेंशन दे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप के ही फरमान पर चलना है, बाप से ही सुनना है, मनुष्यों की उल्टी बातें सुन उनके प्रभाव में नहीं आना है, उल्टा संग नहीं करना है, पढ़ाई और पढ़ाने वाले को सदा याद रखना है, सवेरे सवेरे क्लास में जरूर आना है। वरदान साधनों को सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भव। कई बच्चे चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं, कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं और कोई साधनों को, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता और टाल टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनिक होता है। माया बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है जो झूठा सहारा ही सच्चा अनुभव होता है। इसलिए अब साकार रूप में बाप के साथ का और साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव बढ़ाओ, साधनों को सहारा नहीं बनाओ, उन्हें निमित्त मात्र कार्य में लगाओ। स्लोगन, रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। ओम शांति।